शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ और मेरा जो टाइटल है मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जो है बार कोड। अब मुझे ये दो टेक्स्ट चाहिए होंगे, दो लेयर चाहिए इसी टेक्स्ट के, तो मैंने यहाँ पे दोनों टेक्स्ट लेयर जनरेट कर लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो मुझे बार वाला वर्ड है तीन अल्फाबेट BAR, उसको हमें जो शेड चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ व्हाइट शेड के अंदर। सेम अभी जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसके अंदर मुझे जो CODE मतलब कोड वाला जो टेक्स्ट है, मतलब जो वर्ड्स हैं या अल्फाबेट है, उसको मुझे कन्वर्ट कर देना व्हाइट के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट रेडी होने वाला है। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाले लेयर को मैं अभी के लिए सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं हम इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे ट्रांजिशन में और मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ वेनिशियन ब्लाइंड। तो गाइज हम जो यहाँ पे बारकोड स्टाइल टेक्स्ट रिवील एनिमेशन जनरेट कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ही स्मार्ट वे पे आपको चीजें यूज करना समझना होगा, या आप अपने क्रिएटिव आइडिया से इसको यूज कर सकते हो और इसी इफेक्ट को यूज करते हुए बैकग्राउंड भी जनरेट करने वाले हैं बहुत ही स्मार्टली। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसको जनरेट कर लिया है, मैं यहाँ पे विड्थ का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ 70, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहां से मैं 10-20 फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं की दे रहा हूँ जो है ट्रांजिशन कंप्लीशन वाला, और यहाँ पे मैं वैल्यू कर दूंगा 100, ताकि ये टेक्स्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरा गायब हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, अब चले जाएंगे ऑलमोस्ट 6 सेकंड के ऊपर और उसी वैल्यू को अभी हम कर देंगे 0 यहाँ पे, ताकि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे रिवील हो जाएगा। दूसरा चीज, इसका एंगल आप देख रहे हो कि जो डायरेक्शन है बराबर ये जो ट्रांजिशन जनरेट हो रहा है उसका हमने रखा हुआ है 0, मतलब ये क्या हो रहा है, वर्टिकली यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। ठीक है ना, तो वही चीज हमें चाहिए। अब दूसरा चीज, उसके बाद क्या कर रहा हूं, मैं इसी टेक्स्ट के ऊपर वही वाला चीज अप्लाई करना चाहता हूं, तो यहां से इस इफेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे सबसे पहले और यहां पे इसके ऊपर क्या कर देंगे, सेकंड टेक्स्ट लेयर के ऊपर उसको अप्लाई कर देंगे। बट यहां पे कुछ वैल्यूज को मुझे चेंज करना है, जो है मेरा विड्थ का वैल्यू उसे मैं यहां पे कर देता हूं 49। ठीक है, तो मैंने यहां पे 49 किया, ऊपर मैंने 70 रखा हुआ है, प्लस अब इसको सिलेक्ट करेंगे, यू प्रेस करेंगे। अब मुझे क्या करना है, 10 फ्रेम हम पीछे चलते हैं और मैं क्या कर रहा हूं, इन कीज को यहां पे पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, हम लोग चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब मैं इसको भी रिवील कर देता हूँ ताकि आपको वेरिएशंस भी समझ में आएंगे, तो एक प्रॉपर तरीके से वेरिएशन यहाँ पे हमारा बारकोड टेक्स्ट रिवील का जनरेट हो रहा है ना। तो 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे लेयर पैनल में राइट क्लिक करके न्यू में जाके मैं एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। अब नल ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और नल ऑब्जेक्ट के साथ इसको पेरेंट कर देंगे। अब नल ऑब्जेक्ट का हम स्केल प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ और यहां से मैं आगे चला जाऊंगा ऑलमोस्ट 8 सेकंड के ऊपर और इसका साइज में क्या करता जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ एनिमेशन इस हिसाब से जनरेट होगा। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर और उसके एनिमेट में जाके मैं यहाँ पे एड करने वाला हूँ, ये मेरा फेवरेट एनिमेटर है ट्रैकिंग एनिमेट, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, जो मेरा 0 नंबर का फ्रेम है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इसका वैल्यू मैं कर देता हूं कुछ 80 के आसपास, और जो हमने 8 सेकंड के ऊपर हमारा स्केल का डाउन वाला वैल्यू बताया था यहां पे मैं वैल्यू कर दूंगा थोड़ा माइनस में जाएंगे, जो हमारा ट्रैकिंग अमाउंट 80 की जगह पे मैं ऑलमोस्ट कुछ माइनस में चला जाऊंगा यहां पे, ताकि ये नजदीक आते हुए दिखे, तो मैंने कुछ -20 के आसपास इसको कर दिया। तो अब इसका जो एनिमेटर है ना उसको हमें सबसे पहले यहां से कॉपी कर लेना है, चलते हैं हमारे इस वाले लेयर के ऊपर, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब अगेन गलती हो गई, क्या करना है हमें, की कहाँ पे देना है, वहीं पे देना है जहां से इसका स्टार्ट करना है, तो यहीं पे आके हम वापस क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे उसी वाले लेयर के ऊपर। अब आगे जाने से पहले गाइस बहुत सारे व्यूअर्स मुझे मैसेज करते हैं, चाहे मेल पे या उन्होंने मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ है, कमेंट्स में भी मैसेज करते हैं कि दे नीड द प्रोजेक्ट फाइल। तो बात सिंपल सा इतना है गाइस, आज जैसे लोग AI से डर रहे हैं ना, कभी AI आ गया है, नौकरियां जा रही है, चीज इतना है। हाँ, मे बी आप अगर प्रीमियर के यूज और आफ्टर इफेक्ट आप यूज नहीं कर रहे और आपको इसकी जरूरत है, तो हाँ मैं डेफिनेटली आपको ये प्रोजेक्ट फाइल दे दूंगा आफ्टर इफेक्ट्स की, तो वो चार्जेबल रहेगी। जो भी मैं आपको दिखा, तो मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, बट अगर मेरा काम चाहिए तो वो फ्री में किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने डिटेल में पूरा ट्यूटोरियल हमेशा बनाता हूँ, थोड़ा लंबा ही होता है मेरा ट्यूटोरियल, पूरा डिटेल में होता है, A to Z चीज बेसिक से बताता हूँ। ठीक है ना, तो आप या तो खुद से क्रिएट कर लो, और अगर आपको चाहिए तो ये चार्जेबल रहेगा, फ्री में आपको कोई भी प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी रहेगा, वहां पे मेल कर सकते हो ट्यूटोरियल के नाम के साथ, तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने चार्ज में आप उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते गाइस। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब इसको भी सिलेक्ट कर लो, यू प्रेस करो, तो सारी चीज
चीज आपको यहाँ पे नजर में आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इतना तो हो गया, इन दोनों को सिलेक्ट करते, यू प्रेस करते, और जो यहाँ पे ये वाली कीज जो है ना, उन कीज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं F9 प्रेस करूंगा। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम, ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे गाइस, ठीक है। जो बारकोड वाला टेक्स्ट रिवील एनिमेशन है ऑलमोस्ट जनरेट हो चुका है, बट अभी एक और चीज करना है जो है हमारा बैकग्राउंड। कंट्रोल वाई करके एक सॉलिड सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं शेड दे दूंगा यहाँ पे व्हाइट, और मैं इसको ओके कर देता हूं और इसको नीचे लाके रख देंगे। अब इसका मैं डुप्लीकेट करता हूं यहाँ पे, और डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट एंड वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं इसका शेड चेंज कर देता हूँ ब्लैक के अंदर और ओके अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो भाई ये दोनों जनरेट हो चुके हैं। अब यहां से मैं कॉपी करता हूँ मेरी इस इफेक्ट को, मैं कॉपी कर यहां से सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कर लो, जीरो नंबर की फ्रेम पे वापस आ जाओ तो दिक्कत ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक वाले लेयर के ऊपर मैंने उसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब ये जो एनिमेशन होगा कुछ इस हिसाब से हो रहा है, बट मुझे इस हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शन चेंज करना है मेरे बैकग्राउंड का। टेक्स्ट के टेक्स्ट में वर्टिकल रिवील हो रहा है तो मुझे बैकग्राउंड हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो यहाँ पे हम एंगल क्या कर देंगे, 90 डिग्री अप्लाई कर देंगे। अब हमारा फाइनल एनिमेशन एक बार प्ले करके देख लेते हैं गाइस कि ये दिखेगा कैसे। तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा बारकोड स्टाइल टेक्स्ट रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जनरेट हो रहा है, जिसे आप सिनेमेटिक टाइटल की तरह भी यूज कर सकते हो, या वेब सीरीज के इंट्रो की तरह भी यूज कर सकते हो, या फिर अपने पर्सनल वीडियोस के लिए भी इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।